Good morning, students. Today our topic is resume writing. So here I am for you, and now we will discuss how to write a perfect resume writing. There are some examples for you, like you have seen an advertisement for a salesperson in a fast food restaurant applying for the job, giving details for your qualification. So first of all, you have to write your own address, okay, your personal address, then the address to whom you are addressed, matlab jisko aap bol rahe ho, jisko uska address likhna hai, jisko jahan pe aapko apply karna hai, theek hai, where you have to apply it. Next is saluation. Saluation mein aapka dear sir or respected sir ho jayega. Again, फिर आपका subject application for the post of a salesperson. तो just like an application, आपको सबसे पहले एक application लिखना होगा अपने resume writing के लिए. उसके बाद आपको बताना होगा कि आपने वो advertisement कहाँ पर देखा है. With reference to your advertisement in Times of India, आप किसी भी newspaper का नाम लिख सकते हो. डेटेड जो भी डेट में आपने वो देखा था, एडवर्टीजमेंट देखा था, उसको आप लिखोगे. एंड डेट लिखने के बाद आप लिखोगे आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए, लाइक सेल्स पर्सन के लिए यहाँ पर आपने अप्लाई करना था, तो आप वो लिखोगे. आप सेल्स पर्सन का नाम भी लिख सकते हो एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट सिंपल ये भी लिख सकते हो. नाउ आई एम आ, फिर उसके बाद आप अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स दोगे, जैसे कि आप 22 साल के हो, ग्रेजुएट हो, आपने अपनी डिग्री जो है MDU से की है या दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस, क्योंकि सेल पर्सन में कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं, इसीलिए आप कौन कौन से लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी फ्लुएंटली, एंड नो अदर इंग्लिश, अदर इंडियन लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, बंगाली एंड उर्दू, व्हाटएवर, ठीक है. फिर उसके बाद आई एम टॉल, हेल्दी, फिर आपने अपना कुछ एक पर्सनल अपेयरेंस के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ एक हिंट्स देनी है, कुछ एक चीज़ें लिखनी है. बहुत सिंपल सा, क्लियर सा हमें एप्लीकेशन लिखना है, बहुत मैसी नहीं बनाना है. आई हैव वर्कड फॉर अ फ्यू मंथ्स विद अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इन प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने बता देना है. और उसको, जिसको आप ये लिख रहे हो, उसको अपनी स्टेबल, आप उसको आपने विश्वास दिलाना है कि आप जो है, यू आर गुड इन योर वर्क एंड यू विल सर्व हिम विद ऑनेस्टी, ठीक है. तो यहाँ पे आप यही चीज लिखोगे कि आई विल सर्व टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन इफ आई एम गिवेन अ चांस, अगर आप मुझे चूज करते हो, अगर आप मुझे चूज़ करते हो, अगर आप मुझे चांस देते हो, तो मैं आपको अपनी बेस्ट फैसिलिटीज दूंगा. देन आई होप यू विल कंसीडर माई एप्लीकेशन फेवरली, आप जो है मेरी एप्लीकेशन को मेरे फेवर में रखेंगे. आई एम एनक्लोजिंग माई बायो डाटा, उसके बाद आप अपने बायो डाटा को इसमें लगा कर भेज रहे हो, वो आप बताओगे, एंड देन योर्स फेथफुली. तो जस्ट लाइक जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, उसकी तरह आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है. ये कोई ऐसा नहीं है बेटा, ये आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा. तो ये एप्लीकेशन जो है आपको अच्छे से आना चाहिए, आपके लिए आगे काम आएगा. नेक्स्ट फिर आपको अपना बायोडाटा इनक्लोज करना है. बायोडाटा में आप अपना नाम, योर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, देखो ये तो तरीका है जैसे हम पहले किया करते थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जो है इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, तो अपने बायोडाटा को आप थोड़ा सा और अच्छे से वेल डिफाइंड मैनर में शो कर सकते हो. लाइक आप पहले मोटिव, सबसे पहले आपका क्या टॉपिक आएगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है. तो इन बायोडाटा जब आप लिखते हो तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव बताओ कि टू टीच इज योर पैशन एंड यू लव दिस जॉब एंड यू लव, जो भी आपका सेल्स पर्सन है तो आप कहो कि मार्केटिंग इज योर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू कम्युनिकेट विद पीपल, टू मेक देम फ्रेंडली, टू मेक फ्रेंडली विद देम, ठीक है. तो इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को बताओ. उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल, उसके बाद आप सेकेंड नंबर पे अपने फिर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस
अपनी एजुकेशन क्वालिटीज, वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी व्हाट यू ड्रॉन, जो आप अभी ले रहे हो, और सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आपकी हॉबीज भी आ सकती हैं, इसके अंदर आपकी कोई एक्टिविटीज़, आपने कोई सेमिनार्स वगैरह अटेंड किया है, आपने कोई स्पेशल डिप्लोमा लिया हुआ है, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न है तो ये ही पैटर्न से आपको लिखना है, आप इसको दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हो। लाइक आप इसमें पहले ऑब्जेक्टिव लिखा, उसके बाद अपने क्वालिफिकेशन लिखे, फिर उसके बाद अपनी हॉबीज़ लिखे, फिर अपने की पॉइंट्स लिखे। कुछ की पॉइंट्स में आपका आ जाएगा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत क्विक लर्नर हो, अपनी कुछ खूबियाँ उसमें बता देनी है, और जो अपने नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह है, वो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स करके एक हेडिंग डाल दोगे, उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल डिटेल बाद में, एक पर्सनल डिटेल्स की हेडिंग आ जाएगी, उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिज्यूमे राइटिंग। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, लाइक यहाँ पर एक और एप्लीकेशन है, लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT। बेसिकली ज़्यादातर आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो टीचर बेस्ड ही आते हैं, तो यहाँ पे सेम आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे अपना, फिर उसके बाद जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो उस प्रिंसिपल को लिखोगे, देन आप सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT मैथ्स, उसके बाद आप सर विद रेफरेंस टू, सेम वही चीज़ की आपने वो जो है आप एडवर्टीजमेंट कहाँ से देखा, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट लिख दिया आपने, उसके बाद आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इन मैथ्स, तो मैथ्स की जॉब थी तो आपने उसमें कर दिया। फिर उसके बाद आप बताओगे अपनी कुछ क्वालिटीज, लाइक आप फर्स्ट क्लास डिग्री से पास हुए हो MA में, यू आर गोल्ड मेडलिस्ट and you are very good in studies, ठीक है। I have been working as PGT maths, कहाँ पर आप पहले काम करते थे, I have been working as PGT maths in St. Mary's school, then उसके बाद आपने बता दिया we have recently shifted to लखनऊ, लाइक ये तो एक्स्ट्रा में है, आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ना तो नहीं जोड़ना, ठीक है, ये आपके ऊपर है बिल्कुल। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपने बता दिया, आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स, देन आई हैव एक्सीलेंट रेफरेंसेज एंड एम गुड इन वेरियस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बता दिया। उसके बाद सिंपल आपने लिखा आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट वाले में जैसे आपने किया था, लास्ट में आपने लाइन डाल दी थी आई एम एनक्लोजिंग माई डाटा फॉर योर पर्सुअल, तो आप वो भी कर सकते हो। आई होप, फिर नेक्स्ट में इसने लिख दिया है आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन इफ सेलेक्टेड, आई शेल ट्राई माई बेस्ट टू वर्क टू योर सेटिस्फेक्शन, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अगेन एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर रिज्यूमे राइटिंग, और इस तरीके से आप जो हैं अपना फिर बायोडाटा उसमें एनक्लोज कर दोगे। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने इसके लिए स्पेशली फिर बुक निकाला कि आपको बुक्स से बहुत ज़्यादा अच्छे से, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में वो देती कि ऐसे बॉडी लिखेंगे ऐसे, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होती, विद एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप इनके रेफरेंसेस लेकर कोई भी रिज्यूमे राइटिंग लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइज, डू योर बेस्ट, डू वर्क हार्ड, ओके बाय।